भाई आज के समय में लगभग हमारे दोस्त यार घर परिवार या खुद के हमारे घर पे चार पहिया होना आम बात है। और बहुत सारे घर कहना चाहिए दोस्त या रिश्तेदार इनके घर में चार पहिया कभी कभी ऐसा होता है, हमारे घर में भी होता है यदि हम सक्षम है तो, सबके घर में तो नहीं है। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मेरा नाम है मानिंद, राजधानी गाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी घड़ा हूँ घड़ी चौक पे, देख सकते हैं घड़ी चौक है। और आप बोलोगे भैया चार पहिया घड़ी चौक क्या बता रहा हूँ, तो मुझे जाऊँगा है इधर यानी कि जी रोड में, यहाँ टाटी बंद की ओर। जी हाँ दोस्तों, मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा जी रोड के लिए, टाटी बंद वाले रोड पे जाऊँगा। टाटी बंद नहीं जाऊँगा लेकिन जय स्तंभ चौक तक जाऊँगा, तो आप मेरे साथ चलिए जय स्तंभ चौक। आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। दोस्तों आजकल भाई बहुत से घरों में, चाहे दोस्त यार हो या रिश्तेदार या अपने घर में, तो मैं जय स्तंभ आ चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हैं जय स्तंभ चौक है ना। तो उनके घर में चार पहिया होता है, चार पहिया होता है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मशीनरी चीज़ है, कभी कुछ ख़राबी आ जाए और कोई दिक्कत आ जाए, तो कई बार क्या होता है कि हमको पार्ट्स जो है उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है दोस्तों कि हमको मिल नहीं पाता। तो मैं जय स्तंभ चौक पर खड़ा हूँ है ना, तो अब मैं यहाँ से राइट साइड जाऊँगा। मैं घड़ी चौक से आया हूँ तो राइट साइड मुड़ूंगा, यदि आप उधर से आएँगे है ना टाटी बंद साइड से तो आपको लेफ्ट साइड पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपको राइट साइड लेके चलूँगा। तो क्या होता है दोस्तों कि हमको जो पार्ट्स हैं कई बार शोरूम में अवेलेबल नहीं रहता, नहीं मिलता, उसकी वजह से गाड़ी खड़ी होती है और बहुत दिक्कत जाता है। मैं हालांकि अपने दोस्त को लेकर के आया हूँ, मेरी ऑटो वहीं खड़ी, क्योंकि भाई एक हाथ पे गाड़ी चलाना और मोबाइल पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नवरात्रि की वजह से भीड़ ज़्यादा है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमको पार्ट्स नहीं मिल पाता तो हम परेशान होते हैं, और कंपनी में पार्ट्स आने में टाइम ज़रूर लगता है। दादा मैं आपको एक जगह ऐसी बताने वाला हूँ जहाँ दोस्तों आपको चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, कोई भी कंपनी का, चाहे टोयोटा हो, आपको आराम से इजीली वहाँ पार्ट्स मिल जाएगा। और जो दुकान बताने जा रहा हूँ भाई बहुत पुराना दुकान है, लगभग मेरे ख्याल से 40-50 साल लगभग पुराना हो गए दुकान, क्योंकि भाई मैं एक्सपीरियंस किया हूँ इस जगह का, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चचेरे भाई के पास गाड़ी थी, उसके पार्ट्स मैं शोरूम में भी गया था तो मुझे नहीं मिला था, तो फिर मैंने यहाँ आ करके यहाँ से ख़रीदा था और वो सामान मुझे मिल गया था, उसमें रेट भी एकदम वाजिब। ये देखिए दोस्तों ये है वो दुकान। जी हाँ दोस्तों, जय स्तंभ से पहला गली छोड़ के दूसरे नंबर में आएंगे तो देखिए जया कार्स लिखा है, और उसके जस्ट बगल में एक और दुकान है भाई, ये बहुत पुरानी दुकान है ना, जया ऑटोमोबाइल, देख सकते आप यहाँ आएंगे दोस्तों। यदि आपको शोरूम में भी यदि इसका पार्ट्स नहीं मिलता, कोई भी गाड़ी हो, नई हो पुरानी हो, एक्स वाई जेड, तो आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा। आप बेफिक्र आइए और यहाँ से अपना गाड़ी का पार्ट्स है ना जो भी सामान चाहिए आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत बड़ी दुकान है भाई, बहुत पुरानी दुकान है। यदि वहाँ आपको नहीं मिलता है आपके एरिया में या शोरूम वगैरह में, तो यहाँ आपको 100 में 99% उम्मीद आपका सामान मिल जाएगा। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आप सीधा बता देता हूँ दोस्तों, उधर से घड़ी चौक से आया था, यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा MG रोड। और ये MG रोड है दोस्तों, देख सकते हैं मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ, आपको दिखा देता हूँ MG रोड है ना। यहाँ पे जैसे लाइट्स वगैरह लेना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, अब दिवाली भी आ रहा है भाई, तो यहाँ से आप ले सकते, देख सकते पूरा दुकान लग गया हुआ है, बहुत सजा हुआ है, लाइट्स वगैरह की दुकानें बहुत सारी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो पसंद आया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं भाई कि यदि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो मैं ज़रूर दूंगा वीडियो बना करके, क्योंकि ये वीडियो मैं भी इसलिए बनाया भाई, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि स्कॉर्पियो के लिए कि भैया पार्ट्स कहाँ मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ उनको पार्ट्स मिल गया होगा है ना। और जो भी पूछना हो कमेंट भी कर सकते हैं। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।